हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पार्ट टू ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इन पार्ट वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एनवायरनमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, आर समिट, UNFCCC एंड क्योटो प्रोटोकॉल। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट फर्स्ट देख लें। एंड इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल कॉमन्स, CBDR एंड इंडियाज स्टैंड ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में। द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। व्हाट आर ग्लोबल कॉमन्स? देर आर सम एरियाज और रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड दैट आर आउटसाइड सॉवरेन जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट। देखिए, हर स्टेट की अपनी एक टेरिटरी होती है, लैंड एरिया है वो। इसके बाद कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल माइल्स का दायरा उस स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, या कहेंगे सॉवरन ज्यूरिसडिक्शन में आता है। 12 नॉटिकल माइल्स कितना होता है? लगभग 22 किलोमीटर के बराबर होता है। इसके अलावा जैसे कि अर्थ के कुछ एरिया जो कि किसी भी कंट्री के सॉवरन ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते हैं, उन्हें कहा जाता है ग्लोबल कॉमन्स। इन एरियाज पर किसी एक देश का कंट्रोल नहीं होता है। तो इन ग्लोबल कॉमन्स को 4 कैटेगरीज में इनको बांटा गया है। तो पहला है अर्थ एटमोस्फेयर, दूसरा है अंटार्कटिका, तीसरा ओशन फ्लोर एंड फोर्थ इज आउटर स्पेस। ये सभी एरिया ग्लोबल कॉमन्स में आते हैं। इनका गवर्नेंस सभी कंट्रीज मिलकर करती हैं। जिस प्रकार हम लोग, जैसे हम सोसाइटी के पार्क्स का यूज करते हैं, सड़क का इस्तेमाल करते हैं, या अदर पब्लिक प्लेसेस हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। उन पर जो है सभी का अधिकार होता है, सभी उनका यूज करते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ये 4 कैटेगरीज हैं जिनको बांटा गया है, इन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। तो इन पर किसका कंट्रोल होगा, ये किसके जुरिसडिक्शन में आएंगे, कौन इनका मैनेजमेंट देखेगा, ये सभी बातें ग्लोबल कॉमन्स में शामिल होंगी। सभी देश मिलकर इनका मैनेजमेंट करेंगे, मीन्स दीज एरिया विल बी अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी के जुरिसडिक्शन में ये सभी एरिया शामिल होंगे। तो इनको समझते हैं वन बाई वन, ये हैं क्या। फर्स्ट इज अर्थ एटमोस्फेयर। जैसे कि आपने पढ़ा है ज्योग्राफी में कि एटमोस्फेयर की कई लेयर्स होती हैं, तो ये जो अर्थ एटमोस्फेयर है ये ग्लोबल कॉमन में आएगा। तो अर्थ एटमोस्फेयर में काफी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज पास की गई हैं, जैसे कि जिनेवा प्रोटोकॉल है, वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर इन 1985, इसके अलावा वेस्टर्न रीजनल क्लाइमेट एक्शन इनिशिएटिव। तो इस तरीके से कुछ ये ट्रीटीज हैं जो एग्जांपल हैं, काफ़ी सारी पास की गई हैं। तो सेकेंड इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका साउथ पोल का एक कॉन्टिनेंटल एरिया है, जो कि करीब 1,40,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये पूरा आइस बर्फ वाला एरिया है। 90% ऑफ अर्थ आइस, पृथ्वी की 90% आइस अंटार्कटिका में है, और अर्थ की टोटल फ्रेश वाटर का 70% हिस्सा यहाँ पर मौजूद है। जो अर्थ का जो फ्रेश वाटर है उसका 70% यहाँ पर। इसके अलावा इसके कुछ अदर फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे बायोडाइवर्सिटी की हम बात करें तो कुछ स्पीशीज अंटार्कटिका में पाई जाती हैं, इन्होंने यहाँ के बर्फीले इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट कर लिया है। और दूसरा है क्लाइमेट बैलेंस के लिए, और सबसे अधिक इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो है साइंटिफिकली इवोल्यूशन को समझने के लिए, कि लाखों वर्ष पहले एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या था, इन सबको समझने के लिए यहाँ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब इस अंटार्कटिका जहाँ टोटली बर्फ है, ये किसके जुरिसडिक्शन में आएगा? इसमें दो बातें शामिल हैं। एक तो ये कि इस पर कुछ कंट्री जैसे ब्रिटेन है, अर्जेंटीना, चिले, नॉर्वे, फ्रांस,
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज ने दावा किया है कि ये एरिया उनके सॉवरेन जुरिसडिक्शन में आता है, जबकि ज्यादातर देशों का मानना है कि अंटार्कटिका किसी एक कंट्री के जुरिसडिक्शन में नहीं बल्कि सभी देशों के जुरिसडिक्शन में आएगी। मतलब इसको साझी संपदा या कहें ग्लोबल कॉमन्स में इसको शामिल माना है। तो इन सभी मतभेदों के चलते कुछ ट्रीटीज पास की गई हैं जिसमें कुछ नियम बनाए गए हैं। इसमें सिर्फ तीन एक्टिविटीज यहाँ पर हो सकती हैं, उनको शामिल किया गया है। तो फर्स्ट इज साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस अंटार्कटिका का यूज हो सकता है। सेकंड, फिशरीज के लिए यहाँ एक्टिविटीज हो सकती हैं। और थर्ड, टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट इज ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर में बहुत ज़्यादा बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से मरीन लाइफ, मरीन एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज आउटर स्पेस। आउटर स्पेस में एटमॉस्फेयर एंड अदर स्पेस शामिल है। इंटरनेशनल ट्रीटीज द्वारा जो माना गया है उसके अनुसार सी लेवल से 100 किलोमीटर जो बियॉन्ड है वो आउटर स्पेस है। तो इस तरह इंटरनेशनल ट्रीटीज में सी लेवल से 100 किलोमीटर के बाद का जो भी क्षेत्र है उसे आउटर स्पेस में कंसीडर किया गया है। इसका मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी संख्या में मिसाइल से भेजी जा रही हैं, सेटेलाइट्स भेजी जा रही हैं आउटर स्पेस में, जिस वजह से आउटर स्पेस में काफ़ी कचरा इकट्ठा होता जा रहा है, क्योंकि जो सैटेलाइट आउटर स्पेस में एक समय के बाद काम करना बंद कर देती है वो वापस लाने का उसको कोई प्रावधान नहीं है, उन्हें वापस लाने का कोई किसी के पास ऐसा प्रावधान नहीं है कि उन्हें वापस लाया जा सके। तो इस तरह इन सबके मैनेज करने के लिए ट्रीटीज पास की गई हैं, नियम बनाए गए हैं। तो देखते हैं क्या है वो नियम। तो देखिए, काफ़ी ट्रीटीज इसको मैनेज करने के लिए पास की गई हैं, जिसमें अंटार्कटिका ट्रीटी 1959, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1987 एंड अंटार्कटिक इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल इन 1991। तो देखिए, ग्लोबल कॉमन्स जिसमें जो चार चीज़ें हैं जिनकी हमने बात की, जैसे अर्थ एटमोसफियर है, अंटार्कटिका है, ओशन फ्लोर है, आउटर स्पेस है, इन सबको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंस है। अंटार्कटिका, ओशन फ्लोर, आउटर स्पेस, इन सभी का वही कंट्री यूज़ कर पाएगा जिनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, डेवलप्ड है। जो टेक्नोलॉजी किनके पास है भाई, इनको अच्छी टेक्नोलॉजी किसके पास है, कौन डेवलप कंट्रीज हैं, तो वो हैं नॉर्थ की कंट्रीज। तो इस तरीके से यहाँ पर नॉर्थ साउथ इनइक्वलिटीज का भी इशू है, क्योंकि साउथ या कहें कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास इतनी अच्छी या डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं है कि वे इन ग्लोबल कॉमन्स का यूज कर सकें, इनको मैनेज कर सकें, और नॉर्थ की जो डेवलप कंट्रीज हैं इनका यूज अपने डेवलपमेंट के लिए वो करती हैं, जैसे कि सैटेलाइट भेज रही हैं वो आउटर स्पेस में, और इसके अलावा ट्रेड के लिए वो जो है ओशन फ्लोर का इस्तेमाल करती हैं, साइंटिफिक रिसर्च या टूरिज्म के लिए वो अंटार्कटिका का इस्तेमाल कर रही हैं। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, CBDR। देखिए, हम पहले अर्थ समिट के बारे में बात कर चुके हैं कि जब इन्वायरमेंट को लेकर इश्यूज आने लगे, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस के बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू आने लगा, और क्लाइमेट चेंज की वजह से ओजोन लेयर में हॉल, ग्लेशियर्स का पिघलना, अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने जैसी समस्याएं आने लगी, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा सोचा गया कि अब कुछ करना होगा। ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको टैकल करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। तो उसके लिए सबसे मेजर स्टेप क्या था, अर्थ समिट, जो कि 92 में हुई थी। इस अर्थ समिट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस अर्थ समिट में नॉर्थ साउथ कंट्रीज की जो डिफरेंट अप्रोच थी वो सामने आई, जिसमें नॉर्थ और साउथ कंट्रीज का मतभेद उभर कर सामने आया। तो ये डिफरेंट अप्रोच क्या थी, नॉर्थ कंट्रीज ने क्या आर्ग्यूमेंट किया था। नॉर्थ कंट्रीज वॉन्ट टू डिस्कस द इन्वायरमेंटल इश्यूज एज इट
stands now and want everyone to be equal responsible for ecological conservation. तो नॉर्थ कंट्रीज का ये मानना था कि अभी की जो सिचुएशन है इन्वायरमेंट की उसको ध्यान में रखते हुए हिस्टोरिकली नहीं, और सभी देशों को चाहे वो पहले किसने ज़्यादा पोल्यूट किया किसने कम, इन सब बातों को ध्यान में ना रखते हुए जो डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग हैं सभी को इक्वली कंट्रीब्यूट करना होगा, ऐसा इनका मानना था नॉर्थ कंट्रीज़ का, और सभी को अपनी समान रूप से भागीदारी निभानी होगी. इसके अलावा साउथ कंट्रीज या कहें डेवलपिंग कंट्रीज का क्या आर्ग्यूमेंट था? दे आर्ग्यू डैट मच ऑफ द इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन इन दैट वर्ल्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अंडरटेकन बाय द डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्रीज का ये कहना था कि डेवलप कंट्रीज ने इंडस्ट्रियल प्रोसेस की वजह से जो कि बहुत पहले ही शुरू हो चुका था इसके कारण इकोलॉजी या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है. तो अब इन्हीं नॉर्थन या डेवलप कंट्रीज को इन्वायरमेंट को क्लीन करने की भी जिम्मेदारी इन्हीं की ज़्यादा है. डेवलप कंट्रीज का इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस करीब 200 साल पहले शुरू हो चुका था जिसकी वजह से आज वो डेवलप्ड है, और इन्हीं देशों की वजह से पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है. तो इन्हीं देशों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वह एनवायरनमेंट को क्लीन करें कंजर्व करें, ये मानना है साउथर्न कंट्रीज़ का या कहेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ का. इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि वे अभी कौन डेवलपिंग कंट्रीज़ ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में हैं और हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस काफ़ी लेट शुरू हुआ है. इसके अलावा जो कार्बन उत्सर्जन है CO2 इमिशंस वो भी हमारा डेवलप कंट्रीज से बहुत कम है. तो हमें नियमों से जो कि CO2 इमिशंस को कम करने के लिए बनाए गए हैं इनसे हमें अलग रखना चाहिए या डेवलपिंग कंट्रीज को इससे छूट मिलनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी जो है प्राथमिक रूप से डेवलप कंट्रीज को उठानी चाहिए. ये तर्क था किसका? डेवलपिंग कंट्रीज का, या कहेंगे साउथर्न कंट्रीज का. तो एक प्रिंसिपल या सिद्धांत था जिसे रियो डिक्लेरेशन या समिट में अडॉप्ट किया गया था 92 में, जिसे कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी या शॉर्ट में कहेंगे CBDR के नाम से जाना जाता है. इसमें ये माना गया कि सभी कंट्रीज की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वायरमेंट को सेफ रखना कंजर्व करना, बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स डेवलप कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि इन्होंने इन्वायरमेंट को नुकसान ज़्यादा मात्रा में पहुँचाया है. तो इस तरीके से CBDR प्रिंसिपल सभी स्टेट्स की शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मानता है लेकिन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये डिनाय करता है इन्वायरमेंट को के प्रोटेक्शन को लेकर. फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए अर्थ समिट जो कि 1992 में हुई रियो में, उसमें ये माना गया कि डेवलप कंट्रीज की एवं डेवलपिंग कंट्रीज के बीच की इकोनॉमिक डिस्पेरिटी बहुत ज़्यादा है. डेवलपिंग कंट्रीज का डेवलपमेंट का प्रोसेस भी डेवलप कंट्रीज के मुकाबले बहुत काफ़ी लेट शुरू हुआ. इसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज का डेवलप कंट्रीज के मुकाबले पॉल्यूशन का स्तर या ग्रीन हाउस इमिशंस भी काफ़ी कम है. तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो रिस्ट्रिक्शंस एनवायरमेंट की सेफ्टी के लिए लगाए जाने हैं उनमें डेवलपिंग या साउथर्न कंट्रीज को बाहर रखा जाना चाहिए. ठीक है, जो सेफ्टी मेजर्स जो लगाए जाने हैं उनसे डेवलपिंग या साउथर्न कंट्रीज को बाहर रखा जाना चाहिए ताकि वे भी अपना डेवलपमेंट कर सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को जारी रख सके. और नॉर्थर्न कंट्री जिनका पूर्ण रूप से डेवलपमेंट हो चुका है और हिस्टोरिकली भी उन्होंने सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन का स्तर बढ़ाया है और जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो उसकी उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है और उनको अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए ताकि एनवायरनमेंट को सेफ रखा जा सके कंजर्व किया जा सके. तो इस प्रिंसिपल को या फिर इन सभी बातों को रियो कॉन्फ्रेंस या समिट में जो कि 92 में हुई थी एक्सेप्ट कर लिया गया था. ये जो डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का है
कि जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करने में है, क्लाइमेट चेंज को करने में रहा है, उन्हीं की का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इसको सेफ करने में भी या कंजर्व करने में सबसे ज़्यादा होगा। और जो भी लॉज या रूल्स इसको इसके रिगार्डिंग बनेंगे वो सभी CBDR को ध्यान में रखकर ही बनेंगे, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखकर बनेंगे। तो देखिए, इसके बाद जो भी प्रोटोकॉल साइन हुए, जैसे कि जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 97 में आया था, इसमें चाइना और इंडिया को एग्जेम्पशंस इसमें जो है दी गई थी, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं और इनका ग्रीन हाउस इमिशंस भी काफ़ी कम है। तो इस क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया स्टैंड ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है, इसमें हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंट के इश्यूज़ पर जो कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनली हुई हैं और जो भी मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं, उनमें इंडिया की क्या पोजीशन है, जैसे कि CBDR में, क्योटो प्रोटोकॉल में इंडिया का क्या स्टैंड है। इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट भी आता है, तो इन सभी में भारत का क्या स्टैंड है, क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, इन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इंडिया के क्या क्या एफर्ट्स हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं इंडिया की इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर, इन सभी पर डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडिया क्योटो प्रोटोकॉल पर अगस्त 2002 में साइन और उसे रेक्टिफाइड कर चुका है, और इंडिया एवं चाइना कोई बीइंग ए डेवलपिंग कंट्रीज, क्योटो प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट से एग्जम्प्ट किया गया है। मतलब जो कंडीशंस क्योटो प्रोटोकॉल में लगाई गई थी ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस को कम करने को लेकर, उन उनसे इंडिया और चाइना को बाहर रखा गया है। क्योटो प्रोटोकॉल चेक्स लगाता है ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस पर, तो इंडिया एंड चाइना पर ये चेक्स नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि इनका ग्रीन हाउस गैस इमिशंस काफ़ी कम रहा है इंडिया और चाइना का। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज का क्या कहना है, उनका ये तर्क है कि फ्यूचर में इंडिया और चाइना का भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ग्रीन हाउस इमिशंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इनके ऊपर चेक्स लगाए जाने चाहिए। तो यहाँ इंडिया का ये कहना है कि हमारा 2030 तक जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होगा वो प्रेजेंट एवरेज, मीन्स 2000 में जो वर्ल्ड एवरेज है वो 3.8, वर्ल्ड एवरेज कितना है 3.8, इसके आधे से भी कम होगा। मतलब 2030 तक भी हमारा प्रेजेंट एवरेज से के आधे से भी कम एमिट कर रहे होंगे हम, मतलब सिर्फ 1.6 टन पर कैपिटा होगी, कब 2030 में। तो इस प्रकार इंडिया पर किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस UNFCCC के अगेंस्ट होंगी। हम बात कर चुके हैं UNFCCC के बारे में, तो उसमें क्या बात आई थी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें स्वीकार की गई थी, ठीक है। तो जैसे कि UNFCCC में CBDR प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया था, उसमें डेवलपिंग कंट्रीज को एग्जेम्प्ट रखने की बात की गई थी, तो भारत इस प्रकार UNFCCC के को फॉलो करने की बात कहता है, जो नॉर्थ साउथ को लेकर प्रिंसिपल इसमें अडॉप्ट किया गया था। इसके अलावा 2005 में G8 कंट्रीज की मीटिंग हुई, उसमें भारत ने ये तर्क रखा कि डेवलप कंट्रीज के मुकाबले डेवलपिंग कंट्रीज का पर कैपिटा इमिशंस बहुत कम है। तो इस प्रकार भारत एक डेवलपिंग कंट्रीज होने के नाते डेवलपिंग कंट्रीज का फेवर करता है, चाहे UNFCCC हो या क्योटो प्रोटोकॉल या G8 मीटिंग या पेरिस एग्रीमेंट, सभी जगह भारत जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज का पक्ष रखता है, उनका फेवर करता है। भारत पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को भी 2 अक्टूबर 2016 में रेक्टिफाइड कर चुका है। इसके अलावा भारत का ये भी तर्क है कि डेवलप कंट्रीज द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाना चाहिए, इसके अलावा क्लीन टेक्नोलॉजी भी
इनको मिलनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, डेवलप कंट्रीज के द्वारा, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज UNFCCC के कमिटमेंट को फुलफिल कर सकें, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के पास रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम हैं। तो ये सपोर्ट जो है डेवलप कंट्रीज को करना चाहिए, डेवलप कंट्रीज को फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजिकल जो है सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये इनकी जो कंडीशंस है UNFCCC की उनको पूरा कर सके। एफर्ट्स टेकन बाय इंडिया फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। देखिए, इंडिया काफ़ी बड़ी संख्या में इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए प्रोग्राम चला रहा है। इसके अलावा नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी है व्हीकल्स में क्लीन फ्यूल के लिए। इसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001, जिसमें एनर्जी एफिशिएंसी पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने की बात की गई है। इसके अलावा ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना जो कि सस्टेनेबल हो और एनवायरनमेंट को भी लॉस ना हो, तो इसके लिए नेचुरल गैस इंपोर्ट करने को बढ़ावा दिया जा रहा है और बायोडीजल के प्रोडक्शन को इंकरेज किया जा रहा है, बायोडीजल के प्रोडक्शन को। इस समय गवर्नमेंट नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी जो 2006 में आई थी उसको फॉलो कर रही है, ये इस पर काम कर रही है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो पॉल्यूटर है वो पॉल्यूशन की कॉस्ट पे करेगी। इसके अलावा इसमें इन्वायरमेंटली सेंसिटिव जोन्स के प्रोटेक्शन की बात की गई है, वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या क्या मेजर्स होने चाहिए इसकी बात की गई है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन तथा प्रोडक्शन ऑफ वीट लैंड की बात इसमें की गई है। इसके अलावा कुछ अचीवमेंट्स भी हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी और इसमें ये कहा गया था कि पिछले 3 वर्षों में सोलर पावर में 370%, 370% की वृद्धि हुई है, तथा सरकार द्वारा नेशनल सोलर मिशन के तहत भारत वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी वाला देश बन गया है। इसके अलावा इस मिशन का एम 2022 तक 175 GW तक पावर जनरेट करने का है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं। भारत इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके से काफ़ी प्रोग्राम चला रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने दिया जा रहा है, सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हम इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो इस पार्ट में हमने डिस्कस किया ग्लोबल कॉमन्स, CBDR एंड इंडियाज स्टैंड ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज़, भारत के द्वारा इन्वायरमेंट के को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स एंड राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स के बारे में। थैंक्स, बाय बाय।